वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिले। आज हम बात करेंगे जिक्र इलाही की हकीकत। ठीक है, जिक्र इलाही की हकीकत क्या है? ज़ाहिर के ज़बान से कलब से हम अल्लाह का जिक्र करते हैं, लेकिन असल इसकी हकीकत क्या है? और असल यही है कि जिक्र इलाही तमाम इबादत की रूह है। नमाज है, रोज़ा है, हज है, ज़कात है, तमाम इबादत की रूह जो अल्लाह का जिक्र है। अगर ये रूह बदन में ना हो तो एक लाशा है। इसी तरीके से इबादत में अगर अल्लाह का ध्यान और अल्लाह की याद और जिक्र नहीं है तो उस इबादत की भी अल्लाह के यहाँ कोई हकीकत नहीं है। इसलिए कुरान करीम में भी अल्लाह तबारक व तआला का जा बजा इरशाद यही है कि कसरत से अल्लाह को जिक्र करो ताकि तुम कामयाब हो जाओ, फला पा जाओ। बिल्कुल। और ख़ुद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तमाम सदक़ात, खैरात, जिहाद और मुजाहदात से सबसे अफजल तरीन अगर कोई इबादत है तो वो अल्लाह का जिक्र है। तो अल्लाह की याद और जिक्र में लगना जो है वो हदीस में आता है, ऐसा है कि जैसे ये जाकिर अल्लाह के यहाँ ज़िंदा है और जिक्र ना करने वाला ऐसा है जैसा कि अल्लाह के यहाँ वो मुर्दा है। तो गोया कि एक तरह की हयात है ये जिक्र, और पूरी कायनात की रूह भी अल्लाह का जिक्र है। अगर अल्लाह की याद और अल्लाह का ध्यान जो इस कायनात में जारी सारी रहता है तो ये कायनात ज़िंदा रहती है, और ज़िंदा जब रहती है तो ज़िंदगी के अहकाम जारी होते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला के इनामात की बारिश बरसती रहती है। लेकिन जब अल्लाह का जिक्र नहीं रहेगा तो ये कायनात मुर्दा हो जाएगी, और मुर्दा की अल्लाह के यहाँ कोई हकीकत नहीं रहेगी। तो गोया कि अल्लाह तबारक व ताला क़यामत बरपा कर देंगे। इसलिए हदीस में आता है ला तक़ुमु सातु हत्ता युक़ाल फ़िल अर्ज़ अल्लाह अल्लाह, कि रूह ज़मीन पर उस वक़्त तक क़्यामत कायम नहीं होगी जब तक कि एक भी शख्स अल्लाह अल्लाह कहने वाला बाकी रहेगा। गोया कि अल्लाह का जिक्र होता रहेगा तो गोया कि कायनात ज़िंदा है और अल्लाह इसको ज़िंदा रखेंगे और क़्यामत बरपा नहीं करेंगे। लेकिन जब अल्लाह का जिक्र करने वाला एक भी शख्स ना रहा तो गोया कि कायनात मुर्दा है, तो मुर्दा को फना करना है। गोया कि अब मैदान हशर कायम हो जाएगा और वहाँ इंसान अपने किए का जवाब दे होगा। अल्लाह के जिक्र की जहाँ तक हकीकत का ताल्लुक है, अल्लाह के जिक्र के तीन ज़रिए हैं और एक उसकी असल मकसूद चीज़ है। पहला ज़रिया अल्लाह के जिक्र का ज़बान है कि इंसान ज़बान से अल्लाह का जिक्र करता है, लिहाजा तमाम जो है वो अपने कलामों को रोक देता है और अपनी ज़बान को अल्लाह के जिक्र में मशगूल कर देता है। और दूसरा ज़रिया कल्ब है कि कल्ब से अल्लाह का जिक्र करता है, दिल से अल्लाह तबारक व ताला के नाम की आवाज़ निकलती है। गोया कि इंसान मुंह की ज़बान से भी अल्लाह को याद करता है और दिल की ज़बान से भी अल्लाह को याद करता है, तो ये अल्लाह का जिक्र दिल से हो रहा है। और तीसरा ज़रिया ये कि दिल के अंदर जो है ये जिक्र पेवस्त हो जाए, बैठ जाए इस तरह कि जैसे कि सेकंड सूरत में उसको दिल को जिक्र का आदि बनाना मुश्किल था, अब उसको छुड़ाना मुश्किल हो जाए। अल्लाह, जैसे बच्चे को शुरू में जो दूध का आदि बनाना मुश्किल होता है, बच्चा पहचानता नहीं है, लेकिन जब आदि हो जाता है तो अब छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। तो यही हालत होती है ये तीसरी सूरत में कि दिल के अंदर ये जिक्र पेवस्त ऐसा हो जाए कि अगर ये छुड़ाना भी चाहे तो दिल फिर भी अल्लाह 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 करे अपने मालिक को याद करता हो। तो ये तीसरी सूरत है। तो ये तीन ज़रिए हैं कि ज़बान से जिक्र है, कलब से जिक्र है, फिर कलब की गहराई में अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र जाकर बैठ गया है, अब उसको उखाड़ना मुश्किल। और चौथी जो चीज़ है जो असल मकसूद है, और वो ये है कि जिक्र का कोई एहसास ना रहे, ना ज़बान से जिक्र रहे, ना कलब से जिक्र रहे, ना कलब के अंदर जिक्र रहे, बल्कि कलब के अंदर मजकूर आ जाए। अच्छा, यानी खुद अल्लाह ही आ जाए। यानी हालांकि अभी से अल्लाह का नाम पुकार रहे थे और दिल में अल्लाह का नाम था अभी, अब अल्लाह का नाम ना रहा बल्कि क्या हो, खुद अल्लाह ही दिल में आके बैठ गया। क्योंकि अल्लाह की ज़ात दिल में उतर आई, और जब खुद मजकूर दिल के अंदर उतर आया तो फिर तो ज़बान हिलाने की भी ज़रूरत नहीं, तो निगाह झुकाई तो अपने मजकूर को देख लिया। सुभानअल्लाह। इसलिए कहते हैं ना कि दिल में है तस्वीरें यार, जब जब ज़रा गर्दन झुकाई देख ली तो फिर वो मुकाम आ जाता है। इसको इस्तगराक का मकाम कहते हैं। इंसान बस अब अल्लाह तबारक व ताला की दीदार के अंदर मुस्तगरक रहता है, बज़ाहिर सर झुका के आँखें बंद करके बैठा है, लेकिन अपने कल्ब की दुनिया में दुनिया के बनाने वाले को देख रहा होता है। तो गोया कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात उतर आती है, तो बस इसका मतलब ये वो असल मकसूद था कि असल में मजकूर लाना मकसूद था। तो जिक्र जो एक ज़रिया था, असल अल्लाह की ज़ात थी। तो इंसान जिक्र कर रहा है लेकिन मकसूद क्या है? जैसे दुनिया में कोई चीज़ हासिल करना चाहे तो उसका बड़ा जिक्र करता है, यार मुझे गाड़ी ख़रीदनी है, यार मुझे गाड़ी ख़रीदनी, यार ज़रा देखो कहाँ सस्ती मिलेगी, अब देखो भी कहाँ। तो इंसान हर वक्त उसी के बारे में रिसर्च करता है क्योंकि वो हासिल करना चाहता है, लेकिन जब हासिल कर लेता है तो उसका जिक्र नहीं करता, उससे बेनिफिट लेता है।
سبحان اللہ, ایسی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرنے کے لیے اس کا ذکر کرتا ہے, کبھی زبان سے, کبھی دل سے, کبھی دل میں بٹھاتا ہے, کبھی اس کا جو ہے دل سے نعرے لگاتا ہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو مل جاتی ہے تو عجب جو ہے اپنے دل کی آنکھ سے, اپنی سر کی آنکھوں سے اپنے رب کا دیدار کرنے کا لطف اٹھاتا ہے. یہ وہ حقیقت ہے, یہ فنائیت کے مقام کو پہنچ جاتا ہے کہ وہ گیا کہ اپنے آپ کو اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اور ذات میں ایسا فنا کر لیا کہ اس میں مستغرق ہے. اب اس کو دنیا اور دنیا کے دائیں بائیں سے کوئی مطلب نہیں ہے, اب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا ذاکر بن گیا کہ وہ اپنے زبان حال سے ہی خدا کی ذات کا گویا کہ دیدار کر رہا ہے. یہ وہ حقیقت ذکر کی کہ ذکر سے مقصود اصل میں مذکور ہے, اس مذکور کو انسان حاصل کرتا ہے. تو حضرت یہ آج کا کمزور انسان بھی حاصل کر سکتا ہے اللہ کی ذات کو اپنے دل میں؟ اچھا سوال کیا بھائی. اس لیے تو اللہ نے ہماری کمزوری کا خیال کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ میں شعر رکھ کے قریب تو آ گیا ہوں, نانو اقرب الیہ من حبل الورید, قرآن نے کہا کہ میں تمہاری شعر رکھ سے بھی زیادہ قریب ہوں. تو اتنی بڑی ذات یہاں تک تو آ گئی ہے, یہاں سے یہاں لانا ہے سبحان, تھوڑا سا فاصلہ, زیادہ نہیں جی. اب ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں دل یہاں ہے جی. تو ٹھیک ہے یہاں سے یہاں سیدھا جی. اب لیکن روحانی تو پر لطیفہ قلب, یہ الٹے پستان سے دو انگل نیچے ہوتا ہے, یہ لطیفہ قلب جی. تو یہاں سے یہاں تک کہ کتنا فاصلہ ہے, اتنا سا کام کرنا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمتوں والی ذات وہ یہاں تک پہنچ چکی ہے جی. تو بالکل عام آدمی کر سکتا ہے, بس دھیان چاہیے اس کو اچھا. کہ جب وہ تصور اپنے دل پہ ڈالے اچھا. اور دل کی آنکھ سے خدا کو دیکھنا شروع کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں آئے گا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ.